हेलो पीपल, मैं हूं भरत आचार्य। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम सीखने जा रहे हैं 8259 आर्किटेक्चर। यस, ये हमारे 8085 हिंदी सीरीज में है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था हमने 8085 का पूरा थियरी खत्म कर दिया है। अब हम पेरिफेरल चिप्स पढ़ रहे हैं, 8259, 8255, 8254 एटसेट्रा। ये सारे चिप्स कोई ना कोई हार्डवेयर रोल प्ले करते हैं सर्किट में। ये प्रोसेसर्स नहीं है, ये चिप्स हैं जो बस खाली एक हार्डवेयर सपोर्ट देते हैं प्रोसेसर को, जिसमें से 8259 सबसे बड़ा पेरिफेरल है हर एक के सिलेबस में। जो जिसमें भी आप ये पेरिफेरल चिप्स पढ़ते हो, ये सबसे बड़ा पेरिफेरल होता है, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर, इसके आंसर्स बहुत बड़े बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई बच्चों को ये टफ लगते हैं, बिल्कुल टफ नहीं है। इनफैक्ट इतना मज़ा आएगा पढ़ने के टाइम पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 8259 को बोलते हैं प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। इसको क्यों बनाते हैं हम? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स बढ़ाने के लिए। अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में जब हमने इंटरप्ट्स ऑफ 8085 पढ़ा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था INTR के बारे में। बताओ बच्चों, INTR दूसरे इंटरप्ट से कैसे अलग है? INTR नॉन वेक्टर्ड है, बाकी के सब इंटरप्ट्स वेक्टर्ड है। तो वो प्रॉपर्टी को यूज करके हम उस पर 8259 चिप कनेक्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। ये रिवीजन है, इंटरप्ट्स के टॉपिक में किया था, तभी हम जनरली इंटरप्ट्स ऑफ 8085 की बात कर रहे थे। अब थोड़ा स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन दूंगा जो हमको 8259 सीखने में काम आएगा। जब आपका ये पूरा चिप पढ़ के हो जाएगा, आप तब रियलाइज करोगे कि ये जो 5 मिनट का इंट्रोडक्शन सर ने दिया, ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बातें बोली जाएंगी वो सब फाउंडेशन बनाएंगे आपका ये पूरा चिप पढ़ने को, जिसको सब बच्चे सबसे टफेस्ट चिप समझते हैं, आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग चिप बन के निकलेगा अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर हो। तो पहले मैं आपको एक कुछ फंडामेंटल्स दूंगा ये इंटरफेस के बारे में और 8259 के बारे में एज एन इंट्रोडक्शन। फिर हम डाइव लेंगे ये खतरनाक डायग्राम में। इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8259। बहुत बच्चे ये देखते ही सीधा टर्न कर देते हैं पेज, बोलते हैं कौन पढ़ेगा ये, इतना मस्त है। आई गारंटी यू, यकीन से बोल सकता हूँ, जब मैं ख़त्म करूँगा इसको, आप ये पूरा डायग्राम चिल्ला चिल्ला के एक एक पॉइंट बोल पाओगे। 1 to 12 पॉइंट का आंसर ये, पूरे 12 पॉइंट्स 1 by 1 आप बोल पाओगे। एनीवे, ये इस वीडियो में होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसी के लॉजिक का कंटिन्यूएशन होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कैस्केडेड 8259s। कैस्केडेड मतलब मल्टीपल 8259s कैसे कनेक्ट करते हैं। पहले हम सिंगल 8259 सीखेंगे, फिर उधर जाके कैस्केडेड 8259 सीखेंगे। वो सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इनफैक्ट सेकंड वीडियो होगा, वो एक अलग आंसर है ऑल टुगेदर। ठीक है, तो ये था ये वीडियो का समरी। आपको अगर ये पूरा वीडियो देखना है, आपको अगर ये पूरा चिप अच्छी तरह से पढ़ना है, पूरा 8085 पढ़ना है और अपने आप को एकदम इंटेलिजेंट बनाना है ये सब्जेक्ट में, मगअप नहीं इंटेलिजेंट, ताकि आपको सब समझ में आए, तो आप आइए मेरे वेबसाइट पे www.bharataacharyeducation.com। नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आके पहले अपना लॉगिन अकाउंट क्रिएट करो, 8085 हिंदी वाला कोर्स सिलेक्ट करो, जिसमें ये वीडियो अगर आपको देखना हो तो उसमें। जैसे आप कोर्स सिलेक्ट करते हो, आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलेगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हो, आपका कोर्स एक्टिवेटेड हो जाता है। कोर्स 6 महीने के लिए एक्टिव रहता है। जब हम कोई कोर्स शुरू करते हैं तो हम उसकी फीस बहुत कम रखते हैं, जैसे जैसे वीडियोस बढ़ते हैं तो उसमें फीस बढ़ते जाती है। 8085 हिंदी कोर्स की फीस है इस वक्त 899। ये कोर्स कंप्लीट होने जा रहा है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी फीस बाकी ये सब कोर्सेज की तरह 1200 हो जाएगी। जितनी जल्दी आप ज्वाइन करते हो उतने सस्ते में आपको मिलता है कोर्स। तो आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि एक बार आपने ज्वाइन कर दिया तो अगले 6 महीने तक जितने भी वीडियोज में और भी ऐड करूंगा और जो ऑलरेडी है सब आपको मिलेंगे। प्लस आपको मिलते हैं PDFs हर वीडियो के साथ, जिसमें पूरा थियरी, सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, ये ऐसे इस ये टॉपिक के PDF में इसका पूरा डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन होगा एक एक ऑब्जेक्ट के बारे में। मतलब आपको और कोई रेफरेंस मटेरियल की जरूरत नहीं, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं। आप वीडियोस देख रहे हो, सामने सामने लिंक होता है व्यू नोट्स, क्लिक करोगे तो उसका PDF खुल जाएगा। जो पॉइंट आपको पढ़ना है उस वक्त उधर भी पढ़ सकते हो। प्लस आपको मिलते हैं PDFs ऑफ वाइवा क्वेश्चंस, प्लस आपको मिलते हैं PDFs ऑफ MCQ। MCQ जो अभी नया पैटर्न बन गया एग्जाम्स का, बहुत अच्छा है, इसमें मगिंग अप नहीं चलते। इसमें जो बच्चों को टॉपिक समझ में आए खाली वही लिख पाते हैं, तो उसकी भी तैयारी होगी। MCQs हम खाली बेसिक लेवल का नहीं रखते, उसमें सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, मिड लेवल के होते हैं और टॉप लेवल के भी होते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कॉलेज एग्जाम्स का लेवल थोड़ा कम होता है, एंट्रेंस एग्जाम में ऑब्वियसली उनको क्रीम ऑफ द लॉट चाहिए। तो आपको अगर वो एग्जाम्स क्रैक करने, इंटरव्यूज क्रैक करने, तो उस लेवल के क्वेश्चन भी हमारे MCQ के शीट में होंगे और उसको हम हमेशा अपडेट करते रहते हैं। उसमें नए, हर बार आप देखोगे उसमें नए क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है टू मी,
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जब भी आपको डाउट हो फोन उठाओ, मेरे को टेक्स्ट करो, जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा इमीजिएटली रिप्लाई करूंगा। नॉर्मली रिप्लाई तुरंत आ जाता है, नहीं तो जैसे मेरा शेड्यूल हो उसके हिसाब से फ्री होते ही मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, होप टू सी यू देयर, विश यू ऑल द बेस्ट, एंजॉय लर्निंग।